प्लीज भाई, मैं इतना छोटा कैसे हो गया? मैं तो बहुत छोटा हो गया। अभी हम आए हैं ओल्ड दुबई, तो अभी हमने यहीं पे पार्क कर दिया, ओल्ड दुबई के नीचे ही पार्क कर दिया, मीना बाजार के पास ही है। तो चलो ऊपर देखते हैं क्या है। एक्चुअली कल रात को जब आए थे ना, हमने यहाँ पे कच्चे घर देखे हुए थे, बल्लियों से बने हुए, जो भी साथ बाहर आता होता है पुराने बटन। तो मैंने कहा कि चलो आज यहाँ पे चलते हैं। तो चलो अभी आए हैं यहाँ पे ओल्ड दुबई की पार्किंग में, ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं। ये राइफल्स रखी हुई हैं पुरानी वाली यहाँ पे, पैसा भी आप होता है रेगुलर वाला, बढ़िया अपने लिए बना रहे हैं। ये फ्री में मिल गया यहाँ पे, आया था पुरानी दुबई में। ये ओल्ड दुबई है ना, वही वाले कूपन जो वो ANI पे हमने यूज किए थे ना, उन्होंने भैया ने दिए थे हमें, वो यहाँ पे यूज कर दिए। फ्री में आइसक्रीम आ गई अपने पास। तो हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ पुरानी दुबई में। कैसा कैसा होता था, कैसे घर होते थे, ये देखो बल्लियों के बने हुए हैं घर। तो आप देख रहे हो सामने होटल्स बन चुके हैं, लेकिन अभी हम हैं बुर दुबई में, जो कि पुराना दुबई ही है एक तरह से, लेकिन अब यहाँ पे लोग रहते नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट्स हैं। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ आपको बताने के लिए कि जैसे वो बोट्स खड़ी है ना पानी वाले, यहाँ पे पहले जहाज आते थे तो इनको सामान देते थे, वो किसी और देश से आते होंगे सामान देते होंगे, और दुबई वाले उनको कुछ देते होंगे फिर चले जाते होंगे, कुछ होता होगा, मतलब एक्सचेंज पॉलिसी होती होगी जो भी। तो सामने अब बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं, वो रोलेक्स का शोरूम है भाई, कितना बड़ा देख रहे हो। चलते हैं अंदर, मार्केट बनी हुई है, लोग तो यहाँ पे रहते नहीं है। यहाँ पे ना अलग अलग तरह के पुराने पुराने समय के रखे हुए हैं, देखो पत्थर पड़े हैं पुराने पुराने समय के, जो बहुत ही एपिक है वो पड़ा सामान, देखो पुराने पुराने ताले। ये भाई गुड, इतना बड़ा ये उठाते कैसे होंगे यार, बहुत ही बड़े 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 कनस्तर से। चलो है, तो इन्होंने मार्केट बना दिया पूरा, जो पुरानी दुबई थी तो मार्केट बना दिया पूरा प्रॉपर। तो भाई ये है खुशबू ही खुशबू। तो भाई अभी अंदर आके बैठ गए हैं इस ऊद की वाली शॉप में, खुद ही बनाते हैं ये, यहाँ पे कोई परफ्यूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इत्र, और बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू है। देखो अगर कुछ समझ आता है तो, जहाँ घूम रहे हैं वहीं पे शॉप है इत्र वाली यार, एक पसंद आ रही बहुत ज्यादा ये वाली। बाबाओं वाले में अलग निरंजन मुझे ना बहुत ही सही चीज पता लगी इत्र की, ऑयल हमने अभी लगाया ब्लैक मस्क यार, बहुत ही तगड़ी बाबा वाली खुशबू आ रही है। और वही सेम इतनी सी मेरे ख्याल से 15-20 ml की थी बोतल, वही थी 500 dirham की, और सेम बोतल पड़ी थी 100 ml की, वो थी कुछ 200 dirham की 4 bottles। और उसमें मेरे को फर्क पता क्या लगा, मेरे को उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ ऑयल है, ये आपकी खुशबू बिल्कुल नहीं जाएगी, आप चाहे हफ्ता भर लगा के रखना जाएगी नहीं खुशबू, लेकिन जो बॉटल है वो 15-20 मिनट का रहेगा, उसके बाद वो चली जाएगी खुशबू। तो भाई ये भी हमें नहीं पता था ना, इन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। तो ब्लैक मस्क सॉलिड, पुराने पुराने ही इधर के सॉन्ग लगे हुए हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे बैठने के लिए, देखो क्या अलग कढ़ाई से लगा रखे हैं, खाना परोसते हैं, सही है भाई बढ़िया। ये देखो सारा पानी में, यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं घुमाती हैं आपको, जब बंदे ज़्यादा फुल हो जाते हैं तो लेके चली जाती हैं, और छोटी बोट्स भी हैं यहाँ पे, वो आप प्राइवेट कर सकते हो, अपने आधे पौने घंटे के लिए घूम सकते हो यहाँ पे। ये देखो सारा बल्लियों के सर पे खड़ा हुआ है सारा ये पानी के बीचों बीच, समंदर ही समंदर है सारा। मैं आया था एक और इत्र की शॉप पे, और यहाँ पे इत्र नहीं है, परफ्यूम्स हैं इनके अलग से ब्रांड है, और इस खुशबू लेती पता लग गया कि बीच में अल्कोहल मिली हुई है, क्योंकि अभी ब्लैक मस्क किया हुआ था यहाँ ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना कित 1991। ओ भाई ये परफ्यूम की बोतल है इतनी बड़ी, भाई साहब ये देखो यहाँ पे आया था और ये पढ़ के अंदर गए थे हम, ये लिखा हुआ है ये रहा। बंदे ने ना हमें ऑयल की वो जो खुशबू लगाई ना ब्लैक मस्क की, उसके बाद हम इसके पास गए, अलग सी आ गई थी अल्कोहल की, सर पे चढ़ गई थी, मैंने नहीं वो नहीं, ऑयल इज़ बेटर। और ये यार जो है ना बुर दुबई, ये बहुत ही बड़ा है और सारा मरीना पे बना हुआ है किनारे पे। अब चलते चलते यार काफ़ी आगे आ गए हैं, मैंने कहा कि टैक्सी ले ली जाए, टैक्सी रोक ली थी तो टैक्सी में चलते हैं। चलो यार हाँ बस यहीं पे उतार देता हूँ, मैं यहाँ पे पहुँच गया अभी म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, तो चलो यहाँ भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको भी दिखाता हूँ। ये बाहर से एंट्री है, यहाँ से टिकट मिल जाती है और यहाँ से एंट्री। ओके थैंक यू।
एंट्री कर लिया हमने म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। यहाँ पे सब कुछ इल्यूजन है। फर्स्ट इल्यूजन ये वाला है भाई। अभी पिक्चर में मैं दिखा देता हूँ, साइड में जहाँ जहाँ जाऊँगा ना पिक्चर डालता रहूँगा। चेयर वाली है, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हम बहुत बड़ी चेयर में बैठे हुए हैं। भाई मैं प्लेट से निकल रहा हूँ, प्लेट वाली फोटो डाल देता हूँ। देखो कैसी आ रही है, इल्यूजन है, सारा इल्यूजन है यहाँ पे। ये बोल रहे हैं इसको घुमाओ और 30 सेकंड तक देखो और फिर लुक अराउंड करो 30 सेकंड के बाद। अब मैं पागल हूँ, चक्कर आके गिर नहीं जाऊंगा मैं। आपको दिख रहा होगा ना, एक बड़ी लाइन है और एक है छोटी लाइन, है ना। अब देख रहे डिफरेंस सेम है डंडी, बिल्कुल एज टू एज, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी भाई यहाँ पे ये मिरर है, इसके यहाँ पे खड़े होना है और यहाँ से पिक्चर लेनी है। और अब आप देखना मेरी फोटो कैसी आएगी, मैं डाल दूंगा साइड में, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना फोटो देखते रहना। अरे भाई मैं इतना छोटा कैसे हो गया, मैं बहुत छोटा हो गया। पवन के तो 10 सर थे मेरे, देखो कितने। ये भी एक ऐसी इल्यूजन है जिसमें आपको पता नहीं लगेगा मेरा कौन सा सर बोल रहा है। बाहर आओ, यहाँ पे डालने अपना सर और तब आपको पता लगेगा कि भाई कौन बात कर रहा है। एक्चुअल में ये है ट्रायंगल, पता नहीं लग रहा ना आपको, ये ट्रायंगल है। बस अपना सर डालो और हजारों सर आ जाएंगे आपके सामने। भाई देखो सामने कोई और बैठेगा और मैं यहाँ पे बैठूंगा, एक इल्यूजन वाली पिक्चर आएगी। चलो छोटे भाई को बिठा के पिक्चर खिंचवाता हूँ यहाँ पे मैं, कैसी आती है देखो आप। साइज देख रहे हो इसका कितनी बड़ी है, इसके अकॉर्डिंग है ना ये आएगी इतनी, प्रॉपर आ रही है ना ये। अब आप देखो ऊपर वाली लाइन छोटी है, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे भी पूरी आ जाएगी। ये गई और यहाँ पे आ गई ना पूरी। ये कैसे भाई, ये कैसे यहाँ पे पूरी और यहाँ पे भी पूरी, ये कैसे भाई। ओ यार यहाँ पे इल्यूजन है, ये भी इल्यूजन है। यहाँ पे खड़े हो गए, पिक्चर देख लेना तो मच जाओगे कैसी है। देखना डिनर टाइम, दूर से तो कुछ नहीं दिख रहा, पास जाते ही मुंह दिख रहा है ना इसका, नहीं कैमरा मैन नहीं दिखता कुछ, दिख रहा ना। हाँ इल्यूजन है भाई इल्यूजन। ऐसा तो लग रहा है कि ये भी घूम रहा, हम घूम रहे हैं। ओ भाई चक्रीला है ये भी। तो भाई अब हम आ गए हैं इन्फिनिटी मिरर रूम। ओ माय गॉड, ये तो होगी भाई, ढूंढ के बताओ असली कौन है। आ यार सही है, मेरे को तो आधा चक्कर आने लग गया है इस वजह से कि मुझे पता ही लग रहा उसमें घूम गया ना, मैं जो टनल थी इससे घूमने लग गया मेरा। बस अब निकलता हूँ मैं यहाँ से बाहर। पास में ये नंबर है, हर पिक्चर पे कोई ना कोई नंबर है, लेकिन दूर से पिक्चर आपको दिखेगी अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ये देखो ये एक लंबा बॉक्स है, ये चौड़ा बॉक्स है ना। अब इसमें देखो अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं कवर हो जाएगा है ना, इससे लंबे वाले में है ना। अब आपको लगता है ये इसमें भी हो पाएगा, लेकिन देखो कितनी इजीली होगा। ये देखो हो गया ना, इल्यूजन पूरा देख लिया। अब निकलते हैं बाहर, लेकिन यार आप सबको आना चाहिए यहाँ पे, ये ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे विजिट करना चाहिए आपको। बर्द भाई के अंदर ही है ये, बहुत बढ़िया जगह है इल्यूजन, बट सिर ज़रूर चकराएगा हल्का सा। निकल रहे हैं हम, केसर वाला पानी है, सर घूम गया यार उसने, इल्यूजन ने ना सर घुमा दिया, बढ़िया है। चलो निकलते हैं, पार्किंग पे आ गया, निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ की लॉन्ग रूट बसेस, एक ये गई एक वो खड़ी है। घंटाघर
हम आ गए थे घर सारी जगह घूमने के बाद, बर दुबई घूमे, उधर से एक दो इत्र अच्छे लगे वो लिए थे। उसके बाद दुबई नहीं, वो जो रेस्टोरेंट्स की लाइन है उसके स्टार्टिंग में एक पंजाब रेस्टोरेंट है यार, हमें पता नहीं था, हम गए विदाउट अनियन गार्लिक, इतना जबरदस्त और टेस्टी खाना था ना उसका, मत बताऊं, मतलब मैं बता नहीं सकता। और लास्ट में लस्सी का गिलास पिया मैंने। मैं डेली सोचता हूँ आज डाइट करूंगा यार, डाइट होती नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो भाई अब कल का प्लान देखते हैं क्या बनेगा। भाई अभी मैं बैठा हूँ एडिट करने के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, सच में यार बहुत मेहनत लगती है, और डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं अब आपके पास, तो प्लीज़ थोड़ी सपोर्ट दिखाओ अपनी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।